नमस्ते बच्चों, आज इस वीडियो में हम 40 तक उधार के साथ घटाव करना सीखेंगे। आज कैफी अपने दोस्तों से मिलने पार्क में जा रही है, चलो उसके साथ चलते हैं। पार्क तक पहुंचने के लिए हमें बस स्टॉप पार करना है। बस स्टॉप पर बहुत सारे जानवर बस का इंतजार कर रहे थे। गैफी सोचने लगी, बस स्टॉप पर कितने जानवर हैं? गैफी ने गिनती शुरू की और पाया कि बस स्टॉप पर 40 जानवर थे। तभी एक बस आई और 18 जानवर उस बस में चढ़ गए। बस स्टॉप पर पहले 40 जानवर थे और बाद में 18 जानवर बस में चढ़ गए, तो अब बस स्टॉप पर कितने जानवर बचे हैं? बच्चों, क्या आप कैफी की मदद करेंगे? चलो घटाव का इस्तेमाल कर इसका पता लगाएं। सबसे पहले हम इन संख्याओं को खड़े घटाव के रूप में लिखेंगे और फिर इकाई में लिखी संख्याओं को घटाएंगे, यानी 0 को 8 से घटाएंगे। लेकिन 8 को मैं 0 से कैसे घटा के लिखूं? 0 तो 8 से छोटा है। ओह, अरे हाँ, मैं उधार का उपयोग कर इसे हल कर सकती हूँ। मैं दहाई वाली संख्या 4 से उसकी 1 मांगूंगी और इस तरह इकाई में लिखी संख्या के आगे 1 लिखूंगी। इस तरह 0 की संख्या बन गई 10 की संख्या और फिर मैं 10 से 8 घटा दूंगी तो हो गए 2। अब इस 2 को यहाँ इकाई वाले हिस्से के नीचे इस तरह लिख लूंगी। अब यहाँ आसान है, हमें अब दहाई वाले हिस्से में लिखी संख्याओं को घटाना होगा। मैंने 4 में से 1 को उधार लिया था, यानी 4 हो गया अब 3। अब मुझे इस 3 में से इसके नीचे लिखी संख्या यानी 1 को घटाना है। मैंने 3 में से 1 को घटाया तो रह गया 2। इसमें यहाँ दहाई वाले हिस्से के नीचे लिख लेती हूँ, 40 में से 18 घटाएं, हो गए 22। अरे वाह, बस स्टॉप पर 22 जानवर हैं। गैफी ने अपनी मंजिल की ओर चलना जारी रखा। जब गैफी पार्क के करीब पहुंची, उसने देखा कि पार्क के पास 35 फूल गिरे हैं। कुछ देर बाद तेज हवा की वजह से 26 फूल उड़ गए। क्या आप कैफी को पार्क में बचे फूलों की संख्या का पता लगाने में मदद करेंगे? इस प्रश्न का उत्तर ढूंढें और उसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। बच्चों, इस वीडियो में हमने 40 तक उधार के साथ घटाव करना सीखा।